हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं ए टाइगर इन द जू, जो क्लास टेंथ के पोएट्री से लिया गया है। तो दो तरह के टाइगर को हम देखने जा रहे हैं, एक टाइगर जो चिड़ियाघर में होता है और एक टाइगर जो बिल्कुल फ्री होता है और जंगल में पाया जाता है। चलिए अध्ययन करते हैं। ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप। स्टार्क्स मतलब होता है चलना, चलता है। स्ट्राइप्स विविड मतलब होता है ब्राइटली, चमकदार। स्ट्राइप्स मतलब धारियाँ, पट्टियाँ। तो अर्थ होगा स्टूडेंट्स, वह अपने चमकीले रंग के धारीदार शरीर के साथ चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, फ्यू स्टेप्स कुछ कदम ऑफ हिज केज, अपने पिंजड़े के कुछ कदम, अर्थात वह अपने धारीदार चमकीले शरीर के साथ अपने पिंजड़े में कुछ कदम चलता है। आगे स्टूडेंट्स, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड्स मतलब होता है पंजा। ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट मतलब होता है मखमली और क्वाइट मैंने शांति के साथ अपने मखमली पैरों पर। इन हिज क्वाइट रेज, जो शांत है अपनी शांति के साथ है किंतु रेज क्रोधित है। तो अर्थ होगा वह अपने चमकीले धारीदार शरीर के साथ अपने पिंजड़े में अपने मखमली पैरों से धीरे धीरे शांति के साथ चलता है किंतु क्रोधित है। यह एक नेचुरल टाइगर के विषय में कहा गया है। पहले स्टेंजा में जो पढ़े हैं वह जू में रहने वाले टाइगर के विषय में कहा गया था, अब और यह जो पढ़ने जा रहे हैं यह एक नेचुरल प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र रहने वाले टाइगर के विषय में पढ़ने जा रहे हैं, जो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से जंगल में पाया जाता है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो छाया में। ही शुड बी लर्किंग, उसे छिपना चाहिए इन शैडो छाया में। स्लाइडिंग खिसकना चाहिए, सरकना चाहिए थ्रो लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घासों में। फिर कह रहा है कि उसे लंबी लंबी घासों में उनकी छाया में सरकते हुए छिपते हुए चलना चाहिए। अर्थात कंपेयर किया गया है कि यदि वह जंगल में रहता तो कैसे चलता, छिपकर लंबी लंबी घासों में सरकते हुए क्यों चलता, शिकार को पकड़ने के लिए। नियर द वाटर होल, यानी जलाशय के समीप। वेयर प्लम्प डियर पास, जहां तगड़े डियर हिरन पास गुजरते हैं, आते जाते रहते हैं। यह टाइगर के स्वतंत्रता के विषय में कहा गया है जो जंगल में रहता है। क्या कहा जा रहा है स्वतंत्र टाइगर के विषय में, कि वह लंबे लंबे घास में सरकते हुए उनकी छाया में छिपकर चलता जलाशय के समीप, जहां मोटे तगड़े हिरन आते जाते रहते हैं। ही शुड बी स्नर्लिंग, स्नर्लिंग मतलब होता है गुर्राना। अराउंड हाउसेज, घरों के पास। एट द जंगल्स, ये जो जंगल के किनारे बसे हुए हैं, उसे जंगल के किनारे बसे हुए घरों के आसपास गुर्राना चाहिए। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, बेयरिंग मीन्स होता है स्टूडेंट्स दिखाते हुए। वाइट फैंग्स, फैंग्स मीन्स टीथ, दांतों को। हिज क्लाज, पंजों को। टेररिंग द विलेज, और गांव में आतंक मचाना चाहिए। उसे अपने सफेद दांतों को दिखाना चाहिए, अपने पंजों को दिखाना चाहिए और गांव में आतंक मचाना चाहिए। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि यदि शेर जू में ना होकर जंगल में होता तो वह जंगल के समीप आसपास चारों ओर जो घर हैं उनके आसपास जाता, गुर्राता, अपने दांतों को दिखाता, पंजों को दिखाता और गांव के लोगों को डराता। उसकी आज़ादी के विषय में बताया जा रहा है स्टूडेंट्स। फिर आगे देखते हैं, उसकी आज़ादी के विषय में बताया जा रहा है। लेकिन शेर क्या है, लेकिन टाइगर तो बेचारा जू में है, इसलिए वह क्या है, बाधित है, वह कुछ भी नहीं कर सकता है। बट ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, लेकिन वह लॉक्ड, बंद है इन कंक्रीट सेल, सीमेंट से बनी हुई कोठरी में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी शक्ति, उसका ताकत बिहाइंड, पीछे बार्स, कारागार के। उसका जो ताकत है वह कारागार के पीछे है, मतलब उसकी जो ताकत है वह कारागार में ही छिप गई है। कारागार से बाहर आएगा तब तो अपनी ताकत दिखाएगा ना, इसलिए कहा गया है कि वह कारागार में बंद है, अर्थात उसकी ताकत जो है कारागार में ही बंद हो गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग धीरे धीरे चल रहा है, द लेंथ लंबाई में ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के। और वह क्या कर रहा है, अपने पिंजरे में जितनी दूरी है उस दूरी में ही क्या कर रहा है, धीरे धीरे घूम रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोरिंग अनजान बन रहा है विजिटर्स, आगंतुकों के, देखने वालों को, और देखने वालों को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है स्टूडेंट्स। अगला स्टेंजा है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। ही हियर्स, वह सुनता है द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज को, एट नाइट, रात में। द पेट्रोलिंग कार्स, जो पेट्रोलिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स गश्त लगाना, कार्स, कार के द्वारा, मतलब गश्त को लगाते हैं रात में पुलिसकर्मी, अर्थात रात में
पुलिसकर्मियों के कार द्वारा लगाए जाने वाले आवाज को वह सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और स्टेयर्स देखता रहता है विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी तेज आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार, चमकीले सितारों को, तारों को। और स्टेयर्स देखता रहता है विथ ब्रिलियंट आइज, अपने चमकीले आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले तारों को, और अपने चमकीले आंखों से चमकीले तारों को देखता रहता है ताकि वह अपने ध्यान को भुला सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही है पोएम।